दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर और गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है। आइए सुनते हैं। सीबीआई की जांच हुई है और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। अब सीबीआई की जांच के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। जो सीबीआई करती है ठीक ही करती है। अगर इस प्रकार का कोई उनके को गिरफ्तार किया गया है तो जरूर प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए होंगे और जो दोषी होगा उसको हमारे इस शासन में, सरकार में कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, कितना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए सीबीआई ने अगर उनको गिरफ्तार किया है तो निश्चित रूप से देखिए, सीबीआई देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग संस्था है और अगर सीबीआई ने अंदर किया है तो सीबीआई के पास जरूर तथ्य होंगे। बेवजह ही सिसोदिया को जेल के अंदर करके सीबीआई कभी भी हीरो नहीं बनाएगी। तथ्य हैं और तथ्य समय आने पर बताए जाएंगे। कि अब कहीं भी किसी के भी खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है ना जी, वो यही कहता है कि बदले की भावना से कार्रवाई है। अब देश में नियम कानून है, अगर कोई गलती करेगा तो निश्चित तौर से उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार ने इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी में भी कई बार बातचीत की और कई बार उनको बुलाया भी, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा तो कई बार उन्होंने अपनी बात कही और कुछ पुख्ता प्रमाण होंगे मेरे ख्याल से तभी गिरफ्तारी हुई होगी। तो निश्चित तौर से अब कोई भी अधिकारी है वो ऐसे तो गिरफ्तारी नहीं किसी करेगा कि उसकी भी कल कोर्ट में जाके उसके खिलाफ भी, उनके पास कोई पुख्ता सबूत होंगे तभी उन्होंने कार्रवाई की।